वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आसाम बोर्ड का क्लास 11 का एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट बैंकिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक डायनेमिक ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, सोल्व पेपर मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग में टोटल 6 यूनिट है। पहला यूनिट हो गया नो नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, और बैंकिंग जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है। हर चैप्टर में कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है वो यहाँ पे येलो मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो पहला यूनिट से पहला क्वेश्चन हो गया डिफाइन बैंक, डिस्कस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। किसी भी बैंक का प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन आंसर सेम ही होता है। ठीक है, हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 11 में वो प्राइमरी फंक्शन भी हो सकता है, सेकेंडरी फंक्शन फंक्शन के अंदर एजेंसी फंक्शन आता है। ठीक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। लगभग हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। दूसरा हो गया डिफाइन द टर्म बैंकिंग, एक्सप्लेन हाउ ए बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, मेंशन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ए बैंक। अलग अलग बैंक का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। यहाँ पे मेंशन वाला मतलब सिर्फ मेन पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेंशन द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ ए कमर्शियल बैंक। ऊपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया उसी का लिमिटेशन यहाँ पे पूछा है। स्टेट द कंडीशन अंडर विच ए बैंक कैन ओपन ए ब्रांच। ठीक है, मेंशन द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ए ब्रांच बाय ए बैंक। एक ब्रांच अगर हमको ओपन करना है बैंक का तो कैसे करेंगे। ठीक है, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो अलग अलग तरह का लोन देता है उसका हम लोग का नाम मेंशन करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग को हम लोग का नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद डिफाइन इन टू लाइन्स, 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है। ठीक है, जो बैंकिंग का पेपर है उसमें 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आता है, तो उसमें मेनली डेफिनेशन ही पूछता है। पहले यूनिट से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट का मीनिंग, डिराइव्ड डिपॉजिट, कमोडिटी मनी, टोकन मनी, क्रेडिट मनी, पेपर मनी। ठीक है, कभी कभी प्लास्टिक मनी भी पूछता है, प्लास्टिक मनी जैसे ATM कार्ड उसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। यूनिट 2 हो गया एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट, इसमें एक्सपेक्टेड मार्क्स है 15, यहाँ पे 15 मार्क्स एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आएगा। पहला ट्रेड साइकिल या नहीं आना है, इसमें से कोई ना कोई पॉइंट एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, और दूसरा होता है बार्टर ट्रेड। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये 2 क्वेश्चन तो जरूर करके जाना है। पहला क्वेश्चन है यूनिट 2 से, व्हाट इज ट्रेड साइकिल, डिस्कस द वेरियस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर ट्रेड, स्टेट ब्रीफली 5 डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब जहाँ सामान के बदले सामान दिया जाता था उसका हम लोग को डिफिकल्टीज। ठीक है, एडवांटेज भी पढ़ सकते हैं, एडवांटेज पूछते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, जब प्राइस राइज होता है, सामान का दाम बढ़ जाता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी जो क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, इसके अलावा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का डिफरेंस। ठीक है, चैप्टर 3 पे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक अलग अलग टाइप, बैंक भी बहुत तरह के होते हैं। कमर्शियल बैंक होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, डेवलपमेंट बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है। ठीक है, तो उन सबका टाइप्स हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है इस चैप्टर से, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफली। अलग अलग नाम बताना, अलग अलग बैंक का नाम बताना, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन में से 2-4 पॉइंट एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक का, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक का। ठीक है, इसके बाद नेम वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक, जो पहला क्वेश्चन बताया था, डिफाइन देम इन 2 लाइंस, ये जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में जरूर आएगा ये। व्हाट आर डेवलपमेंट बैंक्स, मेंशन इट्स 3 फीचर्स एंड फंक्शन। डेवलपमेंट बैंक क्या होता है उसका फीचर्स बताना है, फंक्शन बताना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 3 से, व्हाट इज रीजनल रूरल बैंक, शॉर्ट में RRB बोलते हैं, मेंशन इज 3 फीचर्स। उसके बाद व्हाट इज इंडिजिनस बैंकर, ऐसा बैंकर जैसे जो पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है, जैसे पुराने फिल्म में दिखाया जाता था मुंशी जी होते थे,
सामान गिरवी रखते थे, लोन देते थे, उसको हम लोग इंडिजिनस बैंकर बोलते हैं। इन सबका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। इन सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। मेंशन इट्स फोर फीचर, मेंशन थ्री डिफेक्ट्स ऑफ इंडिजिनस बैंक, डिस्कस फाइव फंक्शन ऑफ इंडिजिनस बैंकर, व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक, मेंशन इट्स थ्री फीचर्स। ये यूनिट थ्री। यूनिट फोर गया फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 11 में भी है, 12 में भी है, उसके बाद हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ भी ये चैप्टर हम लोग को जरूर पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यूनिट फोर से, जिसमें एक्सपेक्टेड मार्क्स है 20। व्हाट इज सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेंशन इट्स फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। बैंक, सेंट्रल बैंक का बहुत सारा काम होता है, ठीक है। मेन तीन काम है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, ठीक है। हर बैंक का बैंक होता है, जितने भी बैंक हम लोग का पब्लिक सेक्टर बैंक, उन सबका बैंक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हो अपना सारा का सारा पैसा सेंट्रल बैंक में जमा करते हैं, और नोट इशू का तीन मेन फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन हो गया, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक एज बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर है, उस पॉइंट को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दूसरा है डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज बैंकर ऑफ बैंक्स, जितना भी बैंक्स है, जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका बैंकर कौन होता है, हम लोग का सेंट्रल बैंक, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तीसरा डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ इशूइंग नोट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेथड्स यूज होता है, अलग अलग मेथड लिए हम लोग कंट्री में मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। तो ये जो तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग, उसमें से एक क्वेश्चन तो आप लोग एग्जाम में जरूर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, डिस्कस द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंक क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है, उसका अलग अलग मेथड हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दो पार्ट किया हुआ, एक तो क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। उसके बाद डिफाइन टू लाइन्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है। डरने का जरूरत नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम आगे कुछ और वीडियो बनाकर सारा पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे सबको, ठीक है। और अगर नोट्स नहीं है तो हम लोग का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सारा का सारा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। यूनिट फाइव में बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, अलग अलग तरह का बैंक अकाउंट। पिछला चैप्टर था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, यहाँ पे अलग अलग टाइप बैंक अकाउंट का अलग अलग टाइप पूछा है। एक्सपेक्टेड मार्क्स हो गया 15। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो हम लोग अलग अलग तरह का बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। मेनली बैंक हम लोग सेविंग जो अकाउंट में जाते हैं, सॉरी जो हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसको मेनली हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत तरह के अकाउंट है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी अकाउंट, ठीक है। मेंशन टू एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ करंट सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बैंक में जाओगे तो अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। व्हाट इज ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, पे एंड पे इन स्लिप, पैसा जमा करने के लिए जो हम लोग स्लिप यूज करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई सर्विसेस, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम, मेंशन देयर यूजेस। व्हाट यू मीन बाय बैंकर एंड कस्टमर, बैंकर कौन हो गया, कस्टमर हो गया, जैसे हम एसबीआई में जा रहे हैं अकाउंट खोलना तो हमारा बैंकर हो गया, हम क्या कस्टमर हो गए। मेंशन इन फोर टाइप्स ऑफ कस्टमर ऑफ ए बैंक, बैंकर का अलग अलग टाइप का कस्टमर के बारे में बताना है। उसके बाद शॉर्ट में शॉर्ट क्वेश्चन, चेकबुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, पे इन स्लिप क्या होता है, ई बैंकिंग, ई सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम। अब बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर, ठीक है। पिछला चैप्टर में क्वेश्चन था अलग अलग तरह के कस्टमर, कुछ कस्टमर होते हैं माइनर, कुछ होते हैं वीमेन, ठीक है, कुछ होते हैं कॉरपोरेट हाउसेस, कुछ होते हैं फार्म, उन सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट सिक्स में एक्सपेक्टेड मार्क्स हो गया 10, सबसे कम इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट बाई ए मेरिड वुमेन, अगर एक मेरिड वुमेन बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट बाई माइनर, अगर एक माइनर जिसका एज 18 से कम है तो अकाउंट ओपन करने जाए तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। व्हाट इज ए बैंक कस्टमर, बैंक कस्टमर क्या होता है, ठीक है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बिफोर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट बाई ए कंपनी, ए पार्टनरशिप एंड माइनर, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट बाई पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म जैसे अलग अलग जो बैंक के कस्टमर होते हैं, मेरिड वुमेन, माइनर, ठीक है, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, उसको उन लोगों को अकाउंट ओपनिंग करना है तो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसका तो व्हाट इज ज्वाइंट अकाउंट, दो आदमी के नाम पे जब बैंक अकाउंट ओपन होता है, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ए ज्वाइंट अकाउंट। उसका डिफाइन टू लाइन्स, ओम्बर्समेंट क्या होता है, लिक्विडेटर, ट्रस्टी, माइनर, एग्जीक्यूटर क्या होता है, ठीक है।
ये तो है कि हम लोग का बैंकिंग का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए, ये जो एलोमा किए तो जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। और क्लास 11 में ऐसा नहीं कि डिटेल स्टडी करना, कम से कम पॉइंट तो जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। और ये जो बैंकिंग है क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आता है, थोड़ा सा ही पढ़ के जाएंगे तो आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।